जब वो सखी हो जाता है तो किसी वली ने शैतान से पूछा कि तेरा बेहतरीन दोस्त कौन है। वो कहने लगा कंजूस आबद। जो वो कैसे कि उसकी इबादत को उसकी कंजूसी रायगां कर देती है। तो तेरा दुश्मन कौन है सबसे बड़ा? तो शैतान कहने लगा गुनहगार सखी, कि वो किस तरह कि उसकी सखावत उसके गुनाहों को जला देती है। इस तरीके से गुनहगार पहुंचे दरे पाक पर, जाहिद व पारसा देखते रहे। जब कोई शख्स नसों नसों में नूर को पहुंचा लेता है, उसके अंदर रेड जेम्स भी होते हैं जिनको सुर्ख जरासीम बोलते हैं, वो भी अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देते हैं, उस वक्त उसको कहते हैं कि ये नूर हो गया, ये अब नूर हो गया। लेकिन उस वक्त अगर कोई आलम भी है तो उसको कहते हैं ये नूर अलल नूर हो गया। और उन्हीं आलमों के लिए हजूर पाक फरमाते हैं कि मेरे आलम बनी इसराइल की नबियों की मानन होंगे, उनकी तोहीन जरा सी भी तोहीन दीन इस्लाम की तोहीन है। उन आलमों ने काफरों को मुसलमान बनाया, उन्हीं लोगों ने काफरों को मुसलमान बनाया। लेकिन जो इस इल्म बातन के बगैर अल्लाह अल्लाह के बगैर आलम है, उनको आलम सू कहते हैं। उनके लिए हदीस है कि जहल आलम से डरो और बचो। सहाबा किराम ने पूछा आलम भी और जहल भी? कि जिसकी जबान आलम और दिल स्याह यानी जहल। उन आलमों ने काफरों को मुसलमान बनाया, ये किसी काफर को मुसलमान नहीं बना सकता, लेकिन मुसलमान को काफर कह सकता है। जहां कहीं फितना उठा, उन आलम हक ने उस फितने को जाके मिटाया। ये फितना मिटा नहीं सकता है, रोज एक फितना खड़ा कर देता है। वो जो पहला दर्जा था वो मुसलमान का था, वो जो तस्बीह पढ़ता था वो मुसलमान था। मुसलमान वो जो जिसके दिल में नूर चला गया वो मोमन था। मुसलमान और मोमन में फर्क है। सूरत अजरात में एराब में कहा मैं ईमान ले आए, अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, इनको कहो सिर्फ इस्लाम लाए, मोमन तब बनोगे जब नूर तुम्हारे दिल में उतरेगा। मुसलमानों में 72 फिरके हैं, एक दूसरे को काफर मुनाफिक कहते हैं, लेकिन मोमन तो सारे भाई भाई हैं। मोमन नहीं कहता मैं सुन्नी हूं, मैं शिया हूं, मैं वहाबी हूं। मोमन कहता है बस उम्मती हूं तुम्हारा या रसूलल्लाह, कि बस तुम्हारा उम्मती हूं और कुछ नहीं। इसके आगे फिर वलायत शुरू हो जाती है। ये वली लोग कोई आसमानों से नहीं आते हैं, ये तुम्हारे अंदर ही वलायत है। एक राज, जिसने इस राज को हासिल कर लिया वो अल्लाह को पा गया। जो भी बच्चा खा काफर का या मुस्लिम का इस दुनिया में आया, वलायत का राज लेके आया। अगर काफर का बच्चा आया वो भी वलायत का राज लेके आया कि पता नहीं कब मुसलमान हो जाए और वो राज सीख ले और वली बन जाए। और तारीख गवाह है कि काफरों के बच्चे भी मुसलमान होकर वली बने। देखा होगा रात को घर में सोते हो लेकिन किसी दूसरे शहर में ख्वाब में घूमते हो। अक्सर लोगों को ख्वाब आते हैं, तुम तो नहीं होते हो, तुम तो सो रहे होते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर की कोई चीज होती है जिसको कहते हैं लतीफा नफ्स। वो हर किसी की आजाद है, वो शैतानी महफ में घूमती रहती है। अब वो तुम्हारे अंदर बाकी मखलूक हैं, वो निस्सों में चिपटी हुई हैं, उनमें जान नहीं है। अब तुमने अल्लाह अल्लाह का नूर उन तक पहुंचाया, उनकी गजा गोश्त रोटी नहीं है, उनकी गजा अल्लाह का नूर है। अल्लाह के नूर से अंदर वो हरकत में आई, उनमें जान आई। जब उनमें जान आई उधर तुमको ख्वाब तब्दील होना शुरू हो गए। ख्वाब में देखा कि हजूर पाक के रोजे के गिर्द मंडला रहे हो, ख्वाब में देखा कि खाना काबा का तवाफ कर रहे हो, और वलियों की दरबारों की तरफ तुम्हारा रुख हो गया। 12 साल लगते हैं अल्लाह अल्लाह के नूर से उनके अंदर परविश हो रही है। जो मखलूकें हैं उनकी परविश हो रही है, 12 साल लगते हैं, 12 साल में वो बिल्कुल बालग हो जाते हैं। जब बालग हो जाती हैं उस वक्त सोने की जरूरत नहीं है,
अब तुमने सोचा है, देखें हजूर पाक क्या कर रहे हैं, तुमने सोचा वो इस सीने से निकलकर हजूर पाक के कदमों में है। बुल्ले शाह फरमाते हैं कि लोकी पंज वेले आशिक हर वेले, लोकी मसीती आशिक कदमा। जो लोग पांच वक्त रब को याद करते हैं, नमाज भी रब की याद है, उनकी इंतहा मस्जिद है, बाजमात हो जाएंगे और क्या करेंगे। लेकिन वो लोग जो इसके साथ हर वक्त अल्लाह अल्लाह भी करते हैं, वो हजूर पाक के कदमों में पहुंच जाएंगे। कदमों में पहुंच गए, नवाजे तो गए। अब तुमने सोचा, देखे ऊपर क्या हो रहा है, तुमने सोचा वो सीने से निकलकर ऊपर प्रवास कर गए। फरिश्तों ने रोका नहीं, रुकी, कहने लगे चलो जो कुछ भी है बैतुल मामूर से आगे जल जाएगा। ये बैतुल मामूर से भी आगे चली गई, वहां पहुंच गई जहां रब की जात है। जाहिरी जिस्म से हजूर पाक वहां पहुंचे और इन मखलूकों के जरिए वली वहां पहुंचते हैं। उस वक्त फरिश्तों ने कहा कि वाकई इंसान अशल मखलूकात है। उस वक्त कहा, इस वक्त नहीं कहते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि तुम मर गए। हमारा अकीदा है अहले सुन्नत का कि मरने के बाद सबकी रूहें आसमानों पे चली जाती हैं। हाँ नबी हैं, हाँ वली हैं, यही अकीदा है ना। तो फिर कभी सोचा है अगर ये रूहें सब की ऊपर चली जाती हैं तो फिर इन दरबारों में क्या है। दरबार वाले की भी रूह आसमान पे चली गई, बरजख में चली गई, लेकिन वो जो अजाफी चीजें मखलूकें थी वो वली बन के दरबार पे बैठ गए हैं। नमाज पढ़ती हैं, जिक्र करती हैं, लोगों को फैज पहुंचाती हैं और क्यामत तक उनका स्वाद उसकी रूह को मिलता रहेगा। शबे मेराज में हजूर पाक मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजरे, देखा मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। फौरन ऊपर पहुंचे, देखा मूसा अलैहिस्सलाम वहां भी मौजूद है। मजद्दद अलफसानी रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा कि मैंने आपको फलां दिन खाने काबे में देखा, फरमाने लगे मैं तो नहीं गया। दूसरे ने कहा उसी दिन हजूर पाक के रोजे पे देखा कि मैं नहीं गया। तीसरे ने कहा उसी दिन गौस पाक के रोजे पे देखा, फरमाने लगे मैं नहीं गया। तो लोगों ने पूछा फिर क्या था, फरमाने लगे मेरा अंदर था। ये अंदर जितने भी यहां मौजूद हैं सबके अंदर वो अंदर मौजूद है। अगर तुम उस अंदर को 16 में से एक मखलूक को भी जगा लो तो तुम मर के भी जिंदा हो। अगर तुमने अपनी जिंदगी में ही वो मखलूकें खत्म कर दी, 40 साल के बाद वो मखलूकें खत्म होना शुरू हो जाती हैं। अगर तुमने जिंदगी में मखलूकें खत्म होना करना शुरू कर दी तो तुम जिंदा ही मुर्दा हो, जिंदा भी हो और उधर मुर्दा हो। और 40 साल क्या क्या है, राय आम और राय खास इसमें फर्क है। 15 साल के बाद तो किताब खुलती है, जो तुम अमाल करोगे 15 साल के बाद दर्ज होना शुरू। इससे पहले कोई किताब नहीं होती है बच्चे की। उसके बाद क्या करता है कि बच्चा कुछ अरसा पढ़ता रहता है, एफए किया, बीए किया, काफी उम्र होगी, फिर उसने कारोबार किया। अगर नमाज पढ़ी तो घर वालों ने कहा खैर है, अगर दाढ़ी रख ली तो वो कहने लगे ये बुढ़ों का काम है, तू तो अभी जवान है। अगर फिर उसने अल्लाह करना शुरू कर दिया तो घर वालों को आग लग गई, ये तो बिल्कुल ही बुढ़ों का काम है, तू अभी जवान है। फिर उसने शादी करी, एक दो बच्चे हो गए, जहन में यही है कि मैं अभी जवान हूं, बुढ़ा होऊंगा तो कर लूंगा। दो चार बाल सफेद हो गए, सबसे पहले बीवी ने पूछा कि तेरे बाल चिट्टे हो गए, कहने लगा मैं तो अभी जवान ही हूं, नजले से हो गए। नजले से हो गए, वैसे तो मैं जवान ही क्योंकि जहन में छाया हुआ जवान। उधर मौलाना रूमी ने कहा कि 40 साल उम्र अजीजम गुजाइश मजाजे तू अजहाल तिफली न रहो। ऐ मेरे अजीज तेरी उम्र तो 40 साल हो गई, तू अभी बच्चा ही है। उधर फरिश्तों को हुक्म होता है
کہ کوئی بھی شخص جب 40 سال کا ہو جائے تو اس کی کتاب لے کے آنا تاکہ میں اس کو نوازوں. جب کتاب جاتی ہے تو وہاں لکھا ہے میں تو ابھی جوان ہی ہوں, بس اس کا رائے خاص ختم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ 20 سال اور مہلت دو, جب یہ 60 سال کا ہو جائے تو پھر اس کی کتاب لے کے آنا, شاید اب یہ پتھر کی تسبیح کا آسرا لے لے. اگر کوئی شخص 60 سال تک بھی کچھ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو جاتا ہے, حضور پاک اس امت سے ہی خارج کر دے. یہ 40 سال کا راز ہے. جس طرح وہ مرغی کا انڈا, یہ عبرت کے لیے آیا اس دنیا میں, 40 دن تک اس کو کوئی گرمی نہ پہنچاؤ سالم رہ سکتا ہے, 40 دن کے بعد وہ ضائع ہو جاتا ہے. پھر آپ اس کو 1000 مرغیوں کے پاس لے کے جائیں, بیکار ہے. اسی طرح وہ جو تمہاری مخلوق ہے جس کا نام لطیفہ قلب ہے, جس نے تمہارے اندر اللہ اللہ کرنا ہے, وہ 40 سال تک وہ بھی زندہ رہ سکتا ہے. اگر 40 سال تک آپ نے اس کو اللہ کی ضربیں نہ لگائیں, اللہ کا نور نہ پہنچایا, تو وہ ختم ہو جاتا ہے. جب وہ ختم ہو جاتا ہے پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں, نہ تیری ضرب کاری نہ میری ضرب کاری. پھر آپ 1000 ولیوں کے پاس چلے جائیں, پھر وہ چیز بیدار نہیں ہو سکتی ہے. اس کے لیے پھر کرامت ہی ہے. ایسے بھی ولی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں کرامت والے. اگر انڈا خراب ہے ٹھیک ہے تو ہر مرغی اس سے بچہ نکال سکتی ہے. کرامت تو یہ خراب ہے پھر مرغی بچہ نکال نہیں, کرامت تو یہ ہے نا. اور جو سید سلطان بو رحمۃ اللہ جیسے آتے ہیں, انہوں نے کہا تو جیسا بھی ہے, کافر ہے مسلم ہے, چاہے زندہ چاہے مردہ ہے, جیتا ہے یا مر گیا, آ ادھر. وہ جو کاملِ ذات ہوتے ہیں وہ مردہ دلوں کو بھی جگا دیتے ہیں. دنیا پر ہے کس کی شاہی؟ میرا تیرا سچا ماہی. غوث پاک کی ایک وقت میں 9 آدمی نے دعوت پکائی, سنا ہوگا. جبریل علیہ السلام کی کبھی نہیں سنایا کہ 2 جبرائیل بن گئے یا 2 میکائیل بن گئے, کبھی نہیں سنا. کسی جن کا بھی نہیں سنایا کہ وہ 2 بن گئے یا 4 بن گئے. لیکن غوث پاک کی ایک وقت میں 9 آدمی نے دعوت پکائی, 9 کے گھر جا کے کھانے کھایا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے, لیکن جو آپ کو ماننے اور چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ضرور ہوا ہے. پتہ ان کو بھی نہیں کیسے ہوا ہے. غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں مؤذن کے پاس تھا, اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھیں. اگر انہوں نے کھانا کھایا ہوگا, باتیں بھی کری ہوں گی, اٹھی بھی ہوں گی, بیٹھی بھی ہوں گی, اور جسم میں اٹھنے بیٹھنے باتوں کی طاقت ہے, نماز میں یہی کچھ ہو سکتا ہے ان کی نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہو. اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرشِ مولا میں ہوتی ہے, کہتے ہیں نا, کیسے ہوتی ہے؟ جسم عرشِ مولا میں نہیں جاتا, وہ جسم کے اندر کی چیزیں عرشِ مولا میں جاتی ہیں. تو ثواب کس کو ملے گا؟ جس کی جس ہے. اب غوث پاک کا جسم مسجد میں تھا تو وہ آزاد تھے. اگر وہی جسم پر قبر میں چلا گیا تب بھی وہ آزاد ہی ہے نا. اور آج تک وہ لوگوں کو فیض پہنچا رہی ہیں نا, لوگوں کو ملتی ہیں, لوگوں کو فیض پہنچاتی ہیں, لوگوں کو ولی بناتی ہیں. تو فیض ثواب کس کو؟ جناب غوث پاک. اور یہ علم ظاہر اور علم باطن, ایک کو شریعت بولتے ہیں ایک کو طریقت بولتے ہیں. شریعت طریقت دونوں دین اسلام کے پر ہیں, 2 پر ہیں. لوگ ایک پر سے اڑنا چاہتے ہیں, ایک پر سے کبھی پرواز نہیں کر سکیں گے. اللہ اللہ کرنے والے اگر شریعت میں نہیں تو وہیں پھڑپھڑا رہے ہیں, اگر شریعت والے اللہ اللہ میں نہیں تو وہ وہیں پھڑپھڑا رہے ہیں. ان کے بغیر نمازیں بھی کو نہیں,
एक हदीस शरीफ है कि ला सलाता इल्ला बिहुजूर कलब, दिल की हाजिरी के बगैर नमाज नहीं होती। हमारे अक्सर आलम कहते हैं कि ये किसी का कौल है, कुछ कहते हैं कि नहीं ये ज़ईफ हदीस है। सगी सुल्तान बोर रहमतुल्लाह ने लिखा है कि ये एक मुस्नद हदीस है, 40 हदीसें उन्होंने मुस्नद करार दी और इसको भी उसमें शामिल किया। इसका मतलब है कि दिल की हाजिरी के बगैर नमाज नहीं होती। लोग कहते हैं हम दिल से ही तो नमाज पढ़ते हैं, सर्दी में जाते हैं, गर्मी में जाते हैं, दिल से नहीं पढ़ते तो क्या पढ़ते हैं। और हम कहते हैं कि तुम्हें उस दिल की खबर नहीं जिसके लिए ला सलाता ला बिहुजूर कलब है। आपने देखा होगा आपका कुछ साथी या हमसाया 20-25 साल आपके साथ गर्मी सर्दी में मस्जिद में जाता रहा, दिल से ही जाता रहा ना, 20-25 साल के बाद पता चला कि वो गैर मकल्लद हो गया। ऐसे होंगे कई होंगे, अगर उसकी एक नमाज भी कबूल होती तो वो गैर मकल्लद क्यों होता। इसका मतलब है उसकी एक नमाज भी कबूल नहीं हुई तब वो गैर मकल्लद हुआ, क्योंकि वो दिल की हाजिरी के बगैर नमाजें पढ़ता था। और तुम भी दिल की हाजिरी के बगैर नमाजें पढ़ रहे हो। अगर वो 20-25 साल के बाद हो गया तो क्या भेद है तुम 30-40 साल के बाद हो जाओ, तुम्हारी तरह था ना। अल्लाह ताला ने हजूर पाक को फरमाया कुल हो वल्लाह वाहद, कह दीजिए अल्लाह एक है। आपने आमीन कहा, आपने लोगों को कहा कह दो अल्लाह एक है। जिन्होंने आमीन कहा मुसलमान हुए, जिन्होंने नहीं माना मुनाफिक, जिन्होंने नहीं माना काफर, जिन्होंने हिलोजत करी वो मुनाफिक। अब मुसलमान किसको कहता है कह दे अल्लाह एक है, जब भी नमाज में खड़े होते हो कहते कह दे अल्लाह एक, किस तुम तो जानते हो फिर किसको कहते हो कह दे अल्लाह एक है। तुम अपने दिल को कहते हो कह दे अल्लाह एक है, वो जवाब देता है घर में आटा ही कोनी, हिलोजत करता है ना, फिर कहते हो अल्लाह उस्समद अल्लाह बेनियाज है। वो कहता है नहीं बीवी बीमार है, हिलोजत करता है मानते नहीं। फिर कहते हो लामी आलिद व लामी उलद, दिल कहता है ड्यूटी से लेट हो गए चल। काफरों की जबान इकरार नहीं करती, मुनाफों के दिल तस्दीक नहीं करते और फासकों के जिस्म अमल नहीं करते। बताओ तुम्हारा दिल तो मुनाफिक था, तो मुनाफिक दिल की नमाज कैसे होगी, लगा रहे सारी उम्र। इस नमाज को सूरत बोलते हैं। इस नमाज के लिए कुरान मजीद फरमाता है उन नमाजियों के लिए तबाही है जो नमाज हकीकत से बेखबर हैं, उनकी नमाज दिखावा है। दिखावा कैसे ये नमाज, बड़े खुशू खुजू से मस्जिद में खड़ा है नमाज पढ़ रहा है, लोग देख रहे हैं नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है ना आमलों को देखता हूं ना शक्लों को, ना तेरी दाढ़ी को देखता हूं ना तेरे सजदे को, मैं तेरे कलब और नियत को देखता हूं। जिसको अल्लाह देखता है उसमें बीवी बच्चे और कारोबार, जिसको दुनिया देखती है उसमें अटेंशन करा हुआ है। यह नमाज दिखावा है और यह नमाज तबाही भी है। कौन मीत फरमाता है तबाही भी है, तबाही कैसे है, नमाज पढ़ी तो तकबर आया ना, उसको निकालने वाली चीज ही कोई। लोगों ने कहा 5 वक्त का नमाजी है और तकबर आया, और किसी ने कहा तहज्जुद भी पढ़ता है और तकबर आया। एक दिन बे नमाजी को देखा, बड़ी अकारत से देखा कि मैं तुझसे बेहतर हूं, यह नहीं पता कि तकबर इज़ा ज़ील रा ख्वार कर नमाजें वो भी पढ़ता था। तकबर ने उसको ख्वार किया ना। एक हदीस में कि जिस सीने में जरा भी कुबर और बुखल है वो जन्नत के काबुल ही नहीं है, और उसका सीना तो कुबर बुखल से भर गया। जब सीना कुबर बुखल से भर गया अब सोचने लगा मेरा जैसा आदमी इस दुनिया में तो कोई नजर नहीं आता। हजूर पाक को लोग कहते हैं सारी सुनते अपनाओ, उसने सारी सुनते अपना ली, फिर सोचने लगा अब मुझ में तो हजूर पाक में क्या फर्क रहा, वो भी तो मेरी तरह बशरी है। जब यहां तक पहुंचा तो उसका ईमान भी चला गया, वो नमाजें उसको तबई की तरफ ले गई। ये नमाज सूरत है। इसके बाद फिर नमाज हकीकत शुरू होती है। नमाज हकीकत के लिए मजद्दद अलफसानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं आम लोगों की नमाज सूरत, आसान खुदा की नमाज हकीकत।
आप फरमाते हैं हर आदमी को चाहिए, मकतूबा शरीफ में लिखते हैं हर आदमी को चाहिए कि नमाज हकीकत की तलाश करे। नमाज हकीकत के लिए तुम्हारे कुछ पहले अरकान हैं जिनको तुमने फरामोश कर दिया। तुम्हारे कुरान मजीद की पहली तरतीब पहला लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह ही है, अल्लाह अल्लाह ही है। तुम्हारा पहला रुकन, इस्लाम का पहला रुकन कलमा है, और कलमा तैयब हदीस शरीफ अफजल जिक्र, कलमा तैयब, कलमा तैयब जिक्र में, और जिक्र के लिए हुक्म उठते बैठते अत्ता करवटें लेते मेरा जिक्र करो। तुम्हारी सबसे पहली जो सुन्नत है हजूर पाक की वो गारे हरा है। तो गारे हरा में आप क्या करते, जाते सो तो नहीं जाते थे, वहां अल्लाह का जिक्र करते। तुम्हारी पहली मुसलमानी अल्लाह का जिक्र है। नमाजें तो कई साल के बाद नाजिल हुई, मुसलमान हो गए थे, ये तो शबे मेराज में कई साल बाद उतरी। उससे पहले मुसलमान क्या करते थे, हर वक्त जिक्र अल्लाह ही करते थे, हर वक्त जिक्र अल्लाह ही करते, जिक्र अल्लाह ही से उनके सीने मुनव्वर हो गए। जब सीने मुनव्वर हो गए उस वक्त में नमाजें उतरी, फिर वो नमाजें अल्पों में नहीं रही, वो सीधे सीनों में गई। नमाज हकीकत के लिए तुम्हें सबसे पहले अल्लाह अल्लाह सीखनी होगी, दिल की धड़कनों को अल्लाह अल्लाह में बसाना होगा। फिर तुम कोशिश करोगे काम काज करता रहूं, अल्लाह अल्लाह होती रहे। इसको बोलते हैं दस्तकार में दिल यार में, कामयाबी हो जाएगी। फिर कोशिश करोगे कोई अखबार साला पढ़ता रहूं, अल्लाह अल्लाह होती रहे, पांच दस दिन में कामयाबी हो जाएगी। अखबार साला भी पढ़ोगे अल्लाह अल्लाह भी होती रहेगी। फिर कोशिश करोगे नमाज पढ़ता रहूं और अल्लाह अल्लाह होती रहेगी। उस वक्त जुबान कहेगी कह दे अल्लाह एक है, दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह, जुबान कहेगी अल्लाह उस्मत, दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह, लामिया लिद व लामी उलद, दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह। जुबान इकरार कर रही है, दिल तस्दीक कर रहा है, और जिस्म अमल कर रहा है। जुबान जिक्र मुफस्सल में और दिल जिक्र मजम्मल में। जुबान दलील से मनवा रही है कि कह दे अल्लाह एक है, दिल बगैर दलील के मान रहा है कि अल्लाह ही अल्लाह। जुबान का तसरफ है, अमरीका से बोलते हैं यहां सुनते हो, ये जुबान का कमाल है, और उस दिल का कमाल है यहां गूंजता है अरशे मौला वाले सुनते हैं। तुम्हारी इस नमाज को ये दिल अरशे मौला में पहुंचाएगा, वो नमाज मोमन का मेराज है। इसके बाद फिर वली की नमाज शुरू हो जाती है, जिसको बोलते हैं नमाज इश्क। एक दफा मजद अलसानी रहमतुल्लाह मस्जिद में गए, देखा एक आदमी सो रहा है, सोचा शायद नमाज पढ़ के सोया होगा। फिर गए, सो रहा है, आप असर से मगरब तक मस्जिद में रहते, मगरब की आजान हो रही है और वो सो रहा है। आप फौरन उठे, बरहम हुए, जगाया, उठ या नमाज पढ़ या मस्जिद से निकल जाओ। फौरन उठा, वजू किया, जमात खड़ी होने वाली थी, बुलंद आवाज से कहा इमाम साहब रुक जाएं। इमाम साहब रुक गए। उसने नीति दौर का सुन्नत वक्त फजर, देखते हैं फजर का समा हो गया। फिर उसने जोर की नमाज पढ़ी, फिर जोर का समा हो गया, और जमात वाले देखते ही रह गए। फिर उसने असर की नमाज पढ़ी, रावी लिखता है सूरज वापस लौट आया। उस वक्त उसने कहा मजद्दद साहब आप तो साबे नजर थे, बेहतर था मुझे जगाने से पहले मेरा हाल देखते, मैं तो उसी के पास था जिसकी तुम नमाजें पढ़ते हो। अब ये जिस इस्मेजाद की बात करी, ये किसी नबी को नहीं मिला। बनी इसराइल के सारे नबी तरसते रहे कि हमको इस्मेजाद मिले, किसी नबी को नहीं मिला। अगर मिला तो हजूर पाक को मिला, हजूर पाक के वसीले से इस उम्मत को मिला, तब इसको फजीलत हुई। मूसा अलैहिस्सलाम या रहमानों का जिक्र करते हैं, सिफाती है सुन, ईसा अलैहिस्सलाम या कदूसों का, सुलेमान अलैहिस्सलाम या वहाबों का, दाऊद अलैहिस्सलाम या वदूदों का, बाकी नबी अपने उलुल अज़्म मुरसल का कलमा पढ़ते। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ए अल्लाह दीदार दे, जवाब आया ताब नहीं है। सोचने लगे किसी में ताब होगी,
जवाब आया एक मेरा हबीब और उसकी उम्मत। मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया कि मैं नबियों की उम्मती के बराबर नहीं, जलवा दे देखी जाएगी। जलवा पड़ा और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। ये तो सारे मानते हो ना। अब क्या वजह है कि मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में कोतूर में बेहोश हुए और हजूर पाक सामने जाके मुस्कुरा रहे हैं? क्या वजह थी? मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म में यारह मानों का सिफाती नूर था, वो जात की ताब ना ला सका। हजूर पाक के जिस्म में इसमें जात का जाती नूर था, जात जात के सामने मुस्कुराया। और हजूर पाक के तुफैल वो इसम इस उम्मत को मिला, तब इसको फजीलत हुई। और उम्मत तो इससे डरती है, यम महरूम है। फजाइया सबसे आला लड़ने में क्यों आला है? कि वो जहाज से लड़ती है, अगर उससे जहाज छिन जाए तो वो बंदूक वाला उससे बेहतर है। अगर तुमसे इसमें जहाज चला गया तो तुमसे वो यार मानो वाले बेहतर है। एक हदीस में कि क्यामत के दिन उम्मतों की पहचान नूर से होगी। ये यार मानों से चमक रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, ये या वदूदों से चमक रहे हैं दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत, ये जो अल्लाह से चमक रहे ये हुजूर पाक की उम्मत है। ये तुम्हारा निशान है। हुजूर पाक के बाद ये इसमें जात नौवे सहाबा कराम को मिला जिन्होंने सिलसिला चलाया। ये चिश्ती नक्शबंदी कादरी उसी में आते हैं। नौवे सहाबा कराम से फिर ये बारह इमामों को मिला जो वक्त के गौस थे। बारह इमामों से लेके फिर ये गौस पाक को दे दिया, तब आप गौस आजम कहलाए। इस वक्त इसमें जात गौस पाक के पास है और गौस पाक तक पहुंचने के लिए किसी का मरीद होना पड़ता है। और ये ऐसा उस वक्त तक गौस पाक के पास रहेगा जब तक मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं आते। गौस पाक फरमाते हैं, ऐ मेरे मरीद, मेरा हाथ बहुत बड़ा है। फरमाते हैं कि मेरा मरीद एक दफा हो गया, जैसा भी है मरते वक्त ईमान से ही जाएगा। आप फरमाते हैं मेरा मरीद कौन होगा? मेरा मरीद वही होगा जो जाकिर होगा। फिर फरमाते हैं बहजतुल इसरार में कि मैं जाकिर उसी को मानता हूं जिसका दिल अल्लाह अल्लाह करे, वरना ये जुबानी तौर पे तो तोता भी अल्लाह अल्लाह कर लेता है। उधर हदीस है कि जिसका मरते वक्त जबान पे कलमा होगा बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। हदीस और आपका कौल टकरा गया। आपने 70 मरतबा अल्लाह से वादा लिया है कि मेरा मरीद ईमान के बगैर कभी नहीं जाएगा। लोग कहते हैं हमको कलमा तो आता ही है तो मरते वक्त पढ़ लेंगे, लेकिन ये नहीं पता कि मरने से पहले ही जुबान बंद हो जाएगी। हजारों में किसी एक का सुनते हैं कि मर भी रहा था और कलमा भी पढ़ रहा था। हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह एक बुजुर्ग को गुजरे हैं, बहुत बड़े आलम थे। उन्होंने अपनी जुबान को कलमे से तर किया हुआ था, सोते रहते थे जुबान कलमा पढ़ती रहती थी, लेकिन जब वो बातों में लगते तो जुबान उधर लग जाती। मौत का वक्त आया, शैतान ने सोचा है तो ये जनती कलमा पढ़ते जाएंगे बगैर हिसाब किताब के जाएंगे, चलो इतना तो कर दूं कि हिसाब किताब इनका हो। वो आया आके पूछने लगा, बताओ तुमने रब को कैसे माना, कोई दलील दो। एक दलील दी, उसने ने कहा नहीं कोई और 99 दलीलें दी। उसका मकसद ये था कि दलीलों में इनकी जान निकल जाए, कलमा ना पढ़ सके। उधर हर नजम कोबरा देख रहे थे, दूर से पानी का छींटा मारा और कहा है नादान तू कह दे मैंने बगैर दलील के रब को माना और कलमा पर, और तीन दफा तकरार करी रूह प्रवास कर गई। उस शैतान ने ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ा परेशान करने के लिए, आम आदमी क्या कहता है कि मैं कलमा पढ़ लूंगा। लेकिन वो लोग जिनके दिल अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं वो मर भी रहे थे, शैतान का तसरफ इस जबान पर है कि जबान आलम नासूत में है। दिल का तलक आलम नासूत से नहीं है, दिल का तलक आलम मलकूत से है, क्योंकि शैतान का तसरफ जबान पे है, दिल पे। ये तो आलम मलकूत से इसका पत्र हो गया।
और वो मर भी रहे थे और अल्लाह अल्लाह कर भी रहे थे, अतः के मर भी गए, मरने के बाद भी डेढ़ सेकंड तक अल्लाह अल्लाह करते रहे। हदीस शरीफ में जबान का है, वो भी गोश्त का लोथड़ा, ये भी गोश्त का लोथड़ा, उस लोथड़े को इससे 70 गुना ज्यादा फजीलत है। अब बगैर हिसाब किताब के जन्नत में कैसे जाएगा? कब्र में चला गया, मुनकर नकीर आ गए, वो 360 सवाल के जवाब पूछते हैं। पहला सवाल, बता तेरा रब कौन है? वो खामोश है, कफन पीछे हटाता है, लफ्ज़ अल्लाह चमक रहा है। फरिश्ते कहते हैं, बंदा खुदा आराम से सो जा, हमें तो शर्म आता है, तुझसे क्या पूछे, चुप करके वापस चले जाते हैं। फिर एक और फरिश्ता आता है जिसका नाम अमान है, वो रूह को निकालता है, उसका काम है रूह को बरज़ख में पहुंचाना लिखे के मुताबिक, लेकिन वहां तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। रूह को पकड़ता है, वो इस्मे अल्लाह के नूर से चमक रही होती है, फिर रजवान के पास ले जाता है, इसको बहशत में दाखिल कर। रजवान कहता है, इसका हिसाब किताब ला। वो कहता है, ये चमक धमक ही इसका हिसाब किताब है। इस तरीके से वो शख्स बगैर हिसाब किताब के जन्नत में मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तेरा शाही, मेरा शाही, बहुत शाही, बहुत शाही। अब बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है, हमें कोई ऐसा वजीफा या अमल मिल जाए जिससे हमारे कारोबार चमक उठे, हमारा शोहरत हो जाए, रिजक में तरक्की हो जाए, और वो किसी अमल की तलाश में आते हैं, क्योंकि उन वजीफों के लिए किसी अमल की इजाजत जरूरी है। खास सूरत जिनका वजीफा हो या सूरत मजम्मल का हो, सूरत मलक का हो, जिन लोगों ने वो वजीफे हासिल कर लिए किसी अमल से, वाकई वो कुरान मजीद की बरकत से खुशहाल हो। अब जब उन सूरतों के लिए अमल की इजाजत जरूरी है, तो इसमें जाल जिसमें सारी सूरतें मन है, क्या उसके लिए इजाजत जरूरी नहीं होगी? उस सूरत के लिए अमल की इजाजत चाहिए और इसमें जात के लिए किसी कामल की इजाजत चाहिए। अमल भी ऐसा जब फंसे आवाज दे फौरन पहुंचे, और कामल भी ऐसा फंसे आवाज दे फौरन पहुंचे। इसमें जात की बकायदा इजाजत होती है, बाकी सिफाती इस्मात किताब से लेकर भी फैज हासिल कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने इसमें जात को किताब से लेकर फैज हासिल करने की कोशिश करी, वही पागल हुए, वही बर्बाद हुए, वो इसकी ताप ही ना बर्दाश्त कर सके, तब लोग इससे महरूम हैं, कहते हैं ये सख्त जलाली है, इसके नजदीक मत जाओ, यही कहते हैं ना, लेकिन इसके बगैर गुजारा ही नहीं है, यही तुम्हारी पहचान है, और तुम कहते हो कि इसके नजदीक ही मत जाओ, ये पागल कर देते, इसकी इजाजत है। इजाजत क्या है? आप यहां तहज्जुद पढ़ते रहें, काम बड़ा अच्छा करें, लेकिन शैतान एक कोने पे खड़ा हंसता रहता है। क्यों हंसता है? कि तेरा दिल तो मेरे हाथ में है, जब जी चाहूंगा मोड़ दूंगा, और तुम्हें शिकायत हुई मैं बड़ा तहज्जुद गुजार था, मुझे क्या हो गया, मैं फर्ज नमाज नहीं पढ़ सकता। तो शैतान ने दिल मोड़ दिया ना। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह जंगल में गए, जब बाकी इबादत करते शैतान देखता रहता, लेकिन जब इसमें अल्लाह की जरबे लगाते, अल्लाह को बसाने की कोशिश करते, शैतान करीब आके उनको सताता। तो साहिब कशफ थे, एक दिन उनको बड़ा गुस्सा आया, डंडा लेके उसके पीछे भागे, आज इसको मारूंगा। आवाज आई है, बायजीद ये डंडों से नहीं मरता, ये अल्लाह के नूर से जलता है, इतना जिक्र कर, इतना जिक्र कर कि तू नूर अलल नूर हो जाए। जब बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह नूर अलल नूर हो गए, तो शहर बुस्तान से जादूगर भी चले गए, अब हमारा अमल यहां असर नहीं करता। जब कोई शख्स इसमें अल्लाह को अपने दिल में बसाने की कोशिश करता है, शैतान का कब्जा होता है उस दिल के ऊपर, वो सोचता है अगर इसमें अल्लाह इसके दिल में चला गया, ये शख्स सारी उम्र के लिए मेरे हाथों से गया। शैतान के पास लश्कर हैं, फौज के बिमा असला, जिन्नात के लश्कर हैं, कुरान मजीद गुआ है,
हुक्म देता है जाओ इसको बर्बाद करो, तबाह करो, कुछ भी करो, ये लफ्ज अल्लाह इसके अंदर ना जाए। अब तुम्हारे पास तो एक दिन भी नहीं है जो उनका मुकाबला करो। वो आएंगे तुम्हें सताएंगे, बाज नहीं आए बीमार करेंगे, बाज नहीं आए पागल करके चले जाएंगे। जब होश आएगा तो यही कहोगे खबरदार अल्लाह मत करना, इससे लोग पागल हो जाते हैं। लेकिन जहां से इसकी इजाजत होती है अल्लाह ताला उनको भी एक रहमानी फौज देता है। वो शैतानी फौज तुम पे टूट पड़ी और वो रहमानी फौज शैतानों पे टूट पड़ी, और वो रहमानी फौज उस वक्त तक तुम्हारा साथ देगी जब तक तुम्हारे अंदर रहमान जाग नहीं उठता। फिर तुम बंदा नहीं रहे, बंदा नवाज बन गए, गरीब नहीं रहे गरीब नवाज बन गए। यह इसकी इजाजत है। इसका फिर तरीका भी होता है, हो सकता है कुछ साबे दिल हो, किसी के दिल में यह बात चली जाए, हमारा मकसद हल हो जाए। रोजाना 66 मरतबा सफेद कागज पर काली पेंसिल से लफ्ज अल्लाह लिखें। फजर की नमाज के बाद लिखें तो बहुत अच्छा वक्त है, वरना जब भी आपको फुर्सत हो बावजू 66 मरतबा लफ्ज अल्लाह लिखें, प्यार से लिखें, कहीं वो भी देख रहा हो देखे तो प्यार से देखें। थोड़े दिन आप लिखेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि जो आप कागज पे लिखते थे वो आपकी आंखों पे तैरना शुरू हो जाएगा। आंखों में कशिश है, खींच लेती है, आंखों से ज्यादा दिल में कशिश है। जब आंखों में नजर आए तो लिखना बंद कर दें, आंखों से फिर उसको दिल में उतारने की कोशिश करें। रब ने चाह जो कागज पे लिखते थे दिल पे लिखा नजर आएगा, उस वक्त दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, उस धड़कन के साथ फिर अल्लाह को मिलाएं। कुरान मजीद फरमाता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दिलों पे ईमान लिख दिया, लफ्ज़ अल्लाह ईमान ही ईमान। रात को सोने लगे उंगली को कलम ख्याल करके दिल के ऊपर अल्लाह लिखते लिखते सो जाए, इसी की मस्ती में नींद आ जाए। इस दुनिया में रोजाना 70,000 फरिश्ता आता है, सबसे पहले हजूर पाक के रोजे की हाजिरी देता है। जो एक वक्त आएगा दोबारा नहीं आ सकेगा, फिर वो उन लोगों को ढूंढता है जिनका तल्लक हजूर पाक से है। उन्होंने कहा तू जैसा भी है काफिर है मुस्लिम है, फिर जिंदा जो मुर्दा है, जीता है या मर गया, वो कामली रात होते हैं, वो मुर्दा दिलों को भी जगा देता है। जिब्रील अज़मान की कभी नहीं सुना कि दो जिब्रील बन गए या दो मैकाइल बन गए, कभी नहीं सुना किसी जिन का भी नहीं सुना कि वो दो बन गए या चार बन गए। लेकिन हौस पा कि एक वक्त में नौ आदमी ने दौड़ कर रही नौ के घर जाके खाने खाया। बहुत से लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन जो आपको मानने और चाहने वाले हैं वो कहते हैं ऐसा जरूर हुआ है, पता उनको भी नहीं कैसे हुआ। गौस पाक का जिस्म मुबारक मस्जिद में मुअज्जिन के पास था और वो जिस्म के अंदर की चीजें उधर जाके खाना खा रही थी। अगर उन्होंने खाना खाया होगा बातें भी करी होंगी, उठी भी होंगी बैठी भी होंगी, और जिसमें उठने बैठने बातों की ताकत है नमाज में यही कुछ हो सकता है। उनकी नमाज खाना काबे में होती है, और वो जो कहते हैं कि दरवेश की नमाज अर्श मौला में होती है, हाल है कि बड़ा अल्लाह का करम है। क्यों कार बंगला है करम नहीं तो हो क्या? और दूसरे से पूछते हैं क्या हाल है कि बड़े अल्लाह का करम है। क्यों गरीब खानदान से था इतना बड़ा अफसर हो गया, करम नहीं तो और क्या? तीसरे से पूछते हैं क्या हाल है कि बड़ी अल्लाह का करम है कि क्यों इतना बुढ़ा हूं इतनी सेहत है, करम नहीं तो और क्या?
यही कर्म समझते हो ना। हम कहते हैं अगर तुम इसको कर्म समझते हो तो ये चीजें काफरों के पास हुई, जो काफरों को दी वो तुमको दी, तुम्हारे पे क्या कर्म हुआ भाई, क्या कर्म हुआ तुम्हारे पे, ये क्या कर्म, ये क्या पहचान है। अगर तुम देखना चाहोगे वाकई तुम्हारे पर कर्म है या नहीं, जिक्र अल्लाह में अल्लाह के जाओ, दो चार पांच छह सात दिन में अंदर से अल्लाह अल्लाह शुरू हो गई, उसका कर्म हो गया। हंस करो नहीं हंस करो, कर्म तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा। जिक्र उसी का किया जाता है जिससे दोस्ती हो जाए। अगर कोशिश के बावजूद अल्लाह अल्लाह नहीं जमता है, उल्टा वहशत होती है, उल्टा अल्लाह अल्लाह करने वालों को मस्जिदों से निकाल देते हो, तो फिर तुम्हारे रब का कोई कर्म नहीं है। रब का कर्म होता तो जरूर तुमको अपने नाम लेवा मिलता, अपने आप को पहचानने का राज कि मैं क्या हूं, रब मुझ पे कितना मेहरबान है, मेरा मुर्शिद क्या है। ये कसवटी है, ये एक कसवटी है। गुजरांवाला में एक अंग्रेज ने सवाल किया, मैं मुसलमान तो हो जाऊंगा, सारे ऐप छोड़ दूं, सब नमाजें भी पढ़ूंगा, लेकिन एक बात अगर तुम मुझे गारंटी दो तो, कि वो क्या, कि तुम्हारे उलमा कहते हैं कि मुसलमान भी हो जा नमाजें भी पढ़, फिर भी गारंटी नहीं है कि तू दोस्त की है या बेइज्जती है। भाई कहता गारंटी फिर भी नहीं देते हो, वो कहता वो मजहब फिर कमजोर हुआ ना जिसकी गारंटी नहीं। आज अगर गारंटी होती तो 72 फिरकों में क्यों तकसीम होते। हम कहते हैं मजहब इस्लाम गारंटी गारंटी है, और 5-7 दिन में पता चल जाता है कि तुम क्या हो। ये नुस्खा इस्तेमाल करके देखो, अगर अल्लाह अल्लाह शुरू होगी तो अल्लाह का करम हो गया, गारंटी गारंटी है। और अगर अल्लाह अल्लाह शुरू नहीं होती तो तुम्हारी कोई गारंटी नहीं। और इस अल्लाह अल्लाह का क्या फायदा है, एक और फायदा है, बहुत जबरदस्त फायदा है, जिससे लोग वली बन जाते हैं। आप देखें, आपका कोई दोस्त अमेरिका में बैठा है, आप उसको 40 दिन दिल से याद करें, यकीन करें उसका खत आ जाएगा, दिल को दिल से रहा। और जब आप अल्लाह ताला को दिल की गहराइयों से याद करेंगे, वो तो कई दोस्तों और कई माओं से भी ज्यादा मेहरबान है। हर वक्त अल्लाह अल्लाह करेंगे, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करेंगे, अल्लाह अल्लाह करने से आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो जाएगी। जब अल्लाह की मोहब्बत हो जाएगी फिर एक वक्त आएगा, साल में आए, दो साल में आए, 10 साल में आए, आएगा जरूर, फिर वो अल्लाह देखेगा कौन बंदा कब से अल्लाह अल्लाह कर रहा है, देखूं तो सही। फिर जब उसने एक दफा देखा तो फिर वो मोहब्बत नहीं रही, फिर वो इश्क का मकाम है, फिर वो कहता है मैं तेरा तू मेरा। जब रब से मोहब्बत होगी, रब से इश्क हो गया, तो रब के हबीब से भी इश्क हो गया, क्योंकि वो खुदा भी नहीं और जुदा भी नहीं। जब रब के हबीब से इश्क हो गया तो सब वलियों से इश्क हो गया। हम चाहते हैं कि अल्लाह अल्लाह से तुम्हारे दिलों में अल्लाह और उसके हबीब और वलियों की मोहब्बत पैदा हो। लेकिन जब हम यहां से चले जाएंगे तो इसी तरह गाड़ियों वाले तुम्हारे पास आ जाएंगे, वसवसों के जरिए अल्लाह अल्लाह को निकालने की कोशिश करेंगे, दिलों में वसवसे डालेंगे। वसवसों का मकसद ये होगा कि इन दिलों से अल्लाह अल्लाह निकालो। फिर तुम ये सोच लेना कि वसवसे कौन डालता है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास से पढ़ लेना, पता चल जाएगा वसवसे कौन डालता है, या खन्नास या जिन या उनकी तरह के जो लोग होते हैं। इस वजह से जो लोग जिक्र लेना चाहते हैं उनके दिल में अगर कोई सवाल हो तो जिक्र लेने से पहले दिलों की सफाई कर लो। अगर कोई सवाल है हमारे मतलब या लिटरेचर के मतलब तो पूछ लो। हमने एक लिटरेचर लिखा रूहानी सफर के नाम पे, वो हमारे बचपन के वाकयात थे, कुछ ख्वाबें थी कुछ जहर थे। बहुत से लोग हमारे हमायती हैं, बहुत से लोग हमारे मुखालफ हैं, बहुत से उलमा भी हमारे मुखालफ हैं और बहुत से उलमा हमारे हमायती भी हैं। वो जो मुखालफ उलमा थे उन्होंने उस किताब में से चंद सतरें ली
उनको आगे पीछे कर किए, उसके मफहम बदल लिए, फतवे लगा के पंपलेट तकसीम कर दिए। हम पंजाब में जाएं, जिधर भी जाएं, वो पंपलेट लोग सामने ले आते हैं। लोगों को यही कहा, बेहतर यही है कि तुम वो किताब खुद पढ़ लो, रूहानी सटर रूहानी सफर स्टाल पे मौजूद है, खुद पढ़ लो। लोगों ने वो किताबें पढ़ी, फिर वो उन उलमा के पास गए कि इन किताबों में तो कोई ऐसी बात नहीं है कि वाजिबुल कत्ल के फतवे लगा दिए। अब वो कहने लगे कि ये दूसरे एडिशन है, वो पहले एडिशन इन लोगों ने छुपा लिए हैं। और हम कहते हैं कि अगर वाकई हमने छुपा लिए हैं तो जिनसे तुमने इक्तबास लिया वो तो तुम्हारे पास होंगे ना, वो ही दिखाओ। वो इस तरीके से तुम लोगों को परेशान करेंगे, इससे बेहतर है कि जो जिक्र ले पहले दिल की सफाई करे, उसके बाद जिक्र ले। जिक्र लेने के बाद कभी नहीं कहेगा कि मुझे जरा भी जलाल आया, कहेगा मैं 24 घंटे अल्लाह करता हूं, मुझे तो जरा भी जलाल नहीं आता है। कुछ लोग जलाली होते हैं, कुछ जमाली होते हैं। जलाली लोगों को यह जरूर होगा, जब अल्लाह अल्लाह करेंगे तो थोड़ा सा गुस्सा आएगा, जब गुस्सा आए फिर वो क्या करें, फिर वो दुरूशी पढ़े, दुरूशी उनके गुस्से को ठंडा कर दे। सहाबा करम फरमाते हैं जब हम पे मुसीबत आती हम दुरूशी पढ़ते, इससे पहले क्या करते, हर वक्त जिक्र अल्लाह ही करते, हर वक्त जिक्र अल्लाह ही करते। जब दिल घुटने को होता दुरूशी पढ़ते, जब जिक्र बंद होने को होता दुरूशी पढ़ते, जब गुस्से आते दुरूशी पढ़ते, वो उनको ठंडा कर देते। अब किसी को कोई सवाल हो बताए ना। ये सवाल है जी कि जो लोग अपने नबी को अता किए गए इसम का जिक्र नहीं करते, क्या वो बरोज़ क़यामत इस उम्मत में शुमार किए जाएंगे या नहीं? इसका जवाब यही है जी, हमारा तो ईमान है कि जो भी शख्स कलमा पढ़ता है बड़े कितना बड़ा गुनाहगार है, बस मुनाफिक ना हो, गुस्ताख ना हो, कितना ही बड़ा गुनाहगार है कलमा पढ़ता है वो हजूर पाक के वसीले से बख्शा ही जाएगा। ये हमारा ईमान है। उसके गुनाह की सजा शायद इस दुनिया में दे दी जाए उसको, अगर फिर भी ज्यादा है तो कब्र में दे दी जाएगी ताकि वहां सरफरू हो, अगर फिर भी ज्यादा है तो कुछ अरसा जहन्नम में रख के वो सजा दे दी जाएगी, लेकिन जाना उसको जन्नत में। अब रहा सवाल, जन्नत में तो वो चला गया, उधर जन्नत के 7 दर्जे, जन्नत के 7 दर्जे हैं, एक से एक आला है। तुम्हारे अंदर 7 मखलूकें हैं, हर मखलूक का तलक एक एक जन्नत से है। सबसे अदना इबादत इस कलब की है, और कलब का तलक खुलद से है, जो सबसे अदना जन्नत है उससे है। ये कलब वालों के लिए खुलद है। अब जिन्नात हैं, सहाबा जिन्न है, वली जिन्न है, लेकिन वो जन्नत में नहीं जा सकते क्योंकि जन्नत तो कलब वालों के लिए है, उनमें वो कलब है ही नहीं है। जन्नत के बाहर उनको मकान मिलेंगे, जन्नत के बाहर रहेंगे। लेकिन अब जो शख्स जन्नत में खुलद में चला गया, दोजख से बच गया, उधर कुरान मजीद फरमाता है क्या इन लोगों ने समझ रखा है हम इनको नेकूकारों के बराबर रख लेंगे? और वो जो कलब का इबादत करने वाला था वो खुलद का हकदार है, उसको खुलद मिल गई, खुलद की उरें मिल गई, खुलद के मकान मिल गए, और ये जो कुछ भी नहीं करता था ये भी इसी तरह बख्शा गया, तो ये उसका जाके गुलाम बन गया। कितना पछताएगा, काश ये कलम मुझ में था, अगर मैं भी इसकी बात करता आज इस जैसा हो जाता। गुलामों को तो उरें नहीं मिलती। एक हदीस में कि जन्नतियों को अगर अफसोस होगा जन्नत में जाके, भाई जन्नत में चले गए फिर क्या अफसोस है? जन्नतियों को जन्नत में जाके जो अफसोस होगा वो यही होगा कि दुनिया में जो लम्हा बगैर जिक्र अल्लाह के गुजरा, जो जिक्र नहीं करता था उसको ये अफसोस होगा काश मैं जिक्र करता इन जैसा हो जाता। और कलब वाले कहेंगे काश मैं रूह का जिक्र करता एक दर्जा और हो जाता, दार इस्लाम में चला जाता। रूह वाला कहेगा काश मैं सिरी की इबादत करता एक दर्जा और दार इकरार में चला जाता। हर जन्नत वाले पछताएंगे, और आखिरी वाले कहेगा काश मैं अन्ना की इबादत करता तो मैं फरदोस में चला जाता।
ये जनतों के दर्जे के लिए तुम्हारे अंदर सत मखलूकें हैं और बकायदा उन मखलूकों की तरबियत है, उनके जिक्र इलादा हैं, किसी का या अल्लाह, किसी का या हयो या क्यों, किसी का या वाहिद, किसी का या अहद, किसी का या हु, किसी का कलमा शरीफ, ये उनके जिक्र है। अब इंसान के दिमाग पे एक पर्दा है जिसको हजाब अकबर बोलते हैं। आपको कहा जाए मेरी चले दो महीने के लिए चले जाएं, तो आप बंदोबस्त करेंगे खाने पीने का, पैसे का, कंबल का, कि कहीं मुझे वहां तकलीफ ना हो, लेकिन जहां सारी उम्र के लिए जाना है तो वहां के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। वहां दो महीने के लिए जा रहे हैं फिर वापस आ जाएंगे, वहां से वापस ही नहीं आना, तो उसके लिए कोई बंदोबस्त ही नहीं। ये दिमाग पे एक हजाब अकबर है। वो कब फटता है? जब आदमी मरने लगता है। जब मरने लगता है तो वो शैतान का हजाब को शैतान हटा लेता है। उस वक्त वो आदमी कहता है काश अब मुझे मौका मेरे मिले, मैं कुछ करके दिखाऊं। अब तो मौत का वक्त है, अब तू क्या करेगा? या हदीस शरीफ में कि मरने से पहले ही मर जाओ। वो किस तरह? जब तुम ये जिक्र करोगे, सीने के पांच जिक्र, फिर एक नफ्स का जिक्र छह, फिर एक अन्ना का दिमाग का जिक्र करोगे जिसका याहू का जिक्र है, याहू की गर्मी से वो पर्दा फट जाएगा, जीते जी वो पर्दा फट जाएगा। वो मरते वक्त होश आया, अब जीते जी होश आ गया। उस वक्त दुनिया के लिए कम और आगे के लिए ज्यादा करोगे। ये है जाबे अकबर। और कुछ सवाल? हदीस में आता है कि जिस आदमी ने खाना काबा की तरह मुंह करके थूका तो उसके पीछे नमाज नहीं होती। ये बात कहां तक दुरुस्त है? आप वजाहत फरमाएं। ये जो हदीस की बात वहीं थी ना, खाना काबा में थी, यहां तो नहीं थी, यहां तो नहीं गई इन्होंने, वहां गई थी ना। यहां तो ये है कि मस्जिदें हैं, नीचे कुरान मजीद पड़े हैं, लेकिन ऊपर पर्दा है, दूसरी मंजिल है, वहां भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। यहां से खाने काबे तक तो पता नहीं कितने पर्दे। जब खाने काबे में अगर कोई हो तो वहां उसकी तरफ मुंह करके थूकेगा तो बाकी उसकी नमाज नहीं आती। अब यहां तो पता भी नहीं चलता किसी को खाना काबा किधर है। अब यहां तो मैं पता खाना काबा किधर है, यहां इधर हो जाएगा, वहां उधर हो जाएगा, वहां उधर हो जाएगा। हाँ जी, कई जमातें अलामा इकबाल को बुरा कहती हैं और शराबी बताते हैं, जबकि आपकी अजमन के लड़के अलामा इकबाल को वली अल्लाह कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, ये एक वाकया है। आप चौथी क्लास में पढ़ते थे, आपकी वालदा फौत हो चुकी थी। इनके वालद दो भाई थे, इनके वालद इनके लिए पराठे पका के रख देते थे, एक 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 उस भाई के लिए, एक इस भाई के लिए, कि दोपहर को आएंगे वो सुबह पका के रख देते, दोपहर को आएंगे खाएंगे। उस दिन अलामा इकबाल आए, इनके पीछे कुतिया जो थी ना वो भी पीछे पीछे आ गई। इन्होंने देखा तो पहचान गए कि इसमें कोई मजबूरी है जो मेरे पीछे पीछे आ रही है। तो कुत्ते को मजबूरी भूखी होगी, और क्या मजबूरी है? जब वो अपने चबारे के ऊपर चढ़ने लगे तो वो कुतिया नीचे बैठ गई और इनको बड़ी हसरत से देखने लगी। ये ऊपर गए, भाई और वालद से चोरी जो अपने हिस्से का पराठा था, आधा कुतिया को डाला और आधा अपने लिए रखा, उसको मैं खा लूंगा। लेकिन वो कुतिया ने फौरन खा लिया। उसके बाद भी वो आपको देखना शुरू होगी हसरत से, आपने समझा ज्यादा ही भूखी है, मुझसे ज्यादा भूखी है। वो अपने साथ अच्छे का भी उसको डाल दिया, वो तो खा के चली गई और आप सारा दिन भूखे रहे। वालिद को भी ना बताएं कि वो मारेंगे, सारा दिन भूखे रहे। फिर रात को वालिद को बिशारत हुई कि तुम्हारे बेटे ने एक ऐसा काम किया जिससे हम बहुत खुश हुए और हम अल्लाह ताला से उसको वली बनवाएंगे। ये बकायदा एक वाकया है, ये बचपन का वाकया। फिर जवानी आपकी जैसे भी गुजरी। इसके बाद फिर एक और वाक्य है, जो आपका खादम था, जो आपकी हिम्मत करता, वो काफी बूढ़ा हो गया। आपके वसाइल के बाद
उसने ये बात बताई, ये बात आम है। उसने बताई कि एक रात मैंने देखा कि आप अकेले होते थे, लेकिन उस वक्त देखा कि एक बुजुर्ग भी आपके पास आए हैं। मैं हैरान हुआ कि दरवाजा तो मैं ही खोलता हूं, ये किधर से आ गए? बड़े गौर से देखा। अब इलामा इकबाल फरमाते हैं कि जाओ दो गिलास लस्सी के ले आओ। मैं कहता हूं अब एक डेढ़ का टाइम है, लस्सी इस वक्त कहां मिलेगी? दुकानें बहुत दूर दूर हैं, शहर से बहुत दूर हैं। उन्होंने कहा नहीं, तुम लस्सी लेके आओ। कहते हैं कि मैं जग लेके बाहर निकला। अब सोचने का लगा कि लस्सी कहां से मिलेगी। सामने गया तो लाइट जल रही थी, देखा तो वहां एक लस्सी की दुकान है। अब मैं सोचने लगा कि यहां रोज आता जाता हूं, यहां दुकान ही नहीं थी, ये एकदम दुकान कैसे होगी? कोई गाग भी नहीं। मैं उनके पास गया, लस्सी थी, लस्सी दो। मैंने 5 रुपए का नोट दिया। उन्हें कहा नहीं, ये वापस ले जाओ, हमारा इकबाल से हिसाब चलता है। कहते हैं लस्सी दी, उन्होंने पी, वो अंदर बातें करते रहे। अब मैं इस ताक में कि वो बुजुर्ग बाहर निकलेंगे तो उनकी कदम बोसी करूंगा, लेकिन ना मैंने दरवाजा खोला ना ही मुझे उन बुजुर्ग का पता चला कि कब निकले और कब गए। फिर वो खादिम कहते हैं कई दिनों के बाद, एक दिन मैं उनकी खिदमत कर रहा था, हाथ को दबा रहा था, तो फिर मैंने पूछा कि एक तजस्स है अगर ये महल कर देंगे कि उस दिन वो बुजुर्ग कौन थे और वो लस्सी वाले कौन थे, क्योंकि उसके बाद और उससे पहले मैंने वो लस्सी की दुकान ही नहीं देखी, ना बाद में देखी ना उससे पहले देखी। तो मेरे दिल में यही तजस्स है, आप मुझे यही बता दें बस। उस वक्त उन्होंने कहा कि वो जो बुजुर्ग आए थे वो ख्वाजा साहब थे, और जब उन्होंने लस्सी की फरमाइश करी तो दाता साहब ने लस्सी की दुकान निकाल दी। उन्होंने लस्सी की दुकान लगा दी कि मेजबानी तो मेरा काम है। ये वाकया तो बड़े मशहूर हैं। तरह सवाल हमको तो, हम तो उनको वली समझते हैं, ठीक है, गौस कुतुबों में नहीं थे, लेकिन वो नुकबा जुंजबा में जरूर थे। नुकबा जुंजबा अपने आप को छुपाए रखते हैं, उन्होंने अपने आप को छुपाया हुआ था। अब्दाल तक अपने आप को छुपाते हैं, लेकिन गौस कुतुब जहर है। अब्दाल तक किसी को मरीज नहीं करते, गौस कुतुब मरीज कर देते। हाँ जी, और ये बातें पूछते हैं घड़ी घड़ी, पहले भी बता चुके आप किन से बात है। पहली बात है तो हम तो सबसे पहले गोरा शरीफ बैत हुए उनके बच्चों से, जो वहां के वली थे पीर मेरली शाह, उनके बच्चों से बैत हुए, लेकिन हमें असल कुछ नहीं हुआ तो हमने वो बैत तोड़ दी। देवल शरीफ से बैत हुए, वो भी उनके पोतों से, उनसे भी हासिल कुछ नहीं हुआ तो हमने बैत तोड़ दी। तो फिर हमको जो कुछ मिला बड़ी सरकार के जरिए, दाता साहब के जरिए, फिर सुल्तान साहब के जरिए, फिर कलंदर पाक के जरिए, फिर गौस पाक से, तो गौस पाक ने हमारा हाथ फिर हजूर पाक के हाथ में दे दिया। अब हमको हजूर पाक ने बैत कर ही लिया है, और जो लोग हयातल नबी के कायल हैं वो इस बैत का जरूर इकरार करेंगे कि सही है। अब लोग कहते हैं कि बैत के बगैर फैज नहीं होता, कहते हैं ना, बहुत से लोग इस ओवैसी बैत को मानते भी नहीं हैं। अगर वो मानते नहीं हैं, वो कहते हैं जहरी बैत हो। अगर वो फैज है, ओवैसी फैज, ओवैसी बैत से फैज है, तो फैज तब भी है ना कि कहीं से बैत है तो फैज है। भाई अगर फैज है तो कहीं से बैत है ना। सही सुल्तान बोर रहमतुल्ला, इनको भी हजूर पाक ने बैत फरमाया था। आपने लिखा है कि दस्त बैत कर्द मारा मुस्तफा, कि मुझे हजूर पाक ने बैत कर लिया है। ये ओवैसी सिलसिला है। फकीर नूर मोहम्मद कलाची वाले हैं,
उनको सुल्तान साहब ने बैत किया है, वो जहर में कहीं से बैत नहीं है। और उन्होंने लिखा है अपनी किताब रफान में कि मैं सुल्तान साहब से बैत हो गया, अब मुझे हाजत नहीं है कि मैं किसी और के पास जाऊंगा। जब उन्होंने सुल्तान साहब का लिखा है कि मुझे हाजत नहीं है, तो हम हजूर पाक के लिए कहते हैं हमें क्या हाजत है किसी पास जाने की। उसने गाहे इनायत पे लाखों सलाम मुस्तफा, जाने रहमत पे लाखों सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकबत मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वल आलिही वसहाबिही वज़वाजिही ज़ुर्रियाति अजमईन बिरहमत का यार मान रही। ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم। يا الله الصلاه والسلام کی برکت سے ہمارے سینے کو قلبوں کو نور سے منور کر دے۔ یا اللہ اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں جنہوں نے مالی اور جانی محنت کی ہے ان کو اجر عظیم دے۔ یا اللہ ہم پر بھی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے سکیرا گناہ معاف کر، ہمیں دنیا کے شر سے، نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے بچا۔ یا اللہ میں ہر آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، سب کی ظاہری باطنی بیماریاں پریشانیاں دور کر۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں حضور پاک، غوث پاک اور شاہ صاحب کی عزت، محبت اور عشق پیدا کر۔ یا اللہ صاحب شاہ صاحب کی زندگی لمبی عمر عطا فرما اور صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ یا اللہ ذکر کے مشن کو دن دنی رات چوگنی ترقی دے اور دنیا کے چپے چپے میں اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلیٰ آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔